हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, फाइव सर्कल्स के इस लर्निंग सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, हमने एक नई सीरीज शुरू की है लर्निंग के उद्देश्य से, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देते जा रहे हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स का कितना बड़ा महत्व है। तो इसी कड़ी में चलते हैं। मनीष जी, आज आपको किसी एक पैटर्न या कैंडलस्टिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। ओवर टू मनीष जी। थैंक यू प्रकाश सर एंड वेलकम व्यूअर्स। तो हम लोग चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की आज हमारे लर्निंग सेशन के लिए क्या क्या हम लोगों ने तैयार करके रखा है मटेरियल। सीधे चलते हैं आज जिस जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये है इनगल्फिंग। क्या इनगल्फिंग कैंडल्स क्या होती हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, और इनगल्फिंग कैंडल के पैटर्न, कितने कैंडल पैटर्न होते हैं, तो ये हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। और देखने के लिए मुझे सीधे सीधे चलना पड़ेगा कि स्लाइड में, हम लोग स्लाइड के थ्रू इसको समझेंगे कि क्या होता है ये इनगल्फिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है और ये कैंडल स्टिक कैसे काम करती हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए लगा होगा एक इनगल्फिंग कैंडल, और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली इनगल्फिंग कैंडल कहते किसको है। देखिए, इनगल्फिंग का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे, वर्ड मीनिंग समझेंगे, तो इसका वर्ड मीनिंग होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना, किसी चीज़ को छुपा लेना, कवर कर लेना, हम लोग इसको इनगल्फिंग बोलते हैं। जी तो आप इसके नीचे एक ये दो कैंडल्स देख रहे होंगे, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की। आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि जो ब्लैक कलर वाली कैंडल है, इसने पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को अपने इनगल्फ कर लिया है, यानी कवर कर लिया है, छुपा लिया है। इसके हाई को भी छुपा लिया है, ओपन को भी छुपा लिया है, लो को भी और क्लोज को, सबको छुपा लिया है। हम लोग इस पर्टिकुलर इस पैटर्न को बोल देते हैं इनगल्फिंग। तो अगर आप इसका एक डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि इन दी कैंडल इट इज़ अ टू कैंडल पैटर्न। यहाँ पे आपको दो ही कैंडल मिलेंगे, ये दो ही कैंडल पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है, द सेकेंड कैंडल विल बी मच लार्जर, ये जो दूसरी वाली है, मच लार्जर देन द फर्स्ट वन, प्रीवियस वाले के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी बुलिश या बेरिश होगी, जो कि इसके साइज में काफ़ी बड़ी होगी। सो इट इज कम्प्लीटली कवर द लेंथ ऑफ द प्रीवियस, ताकि ये पूरी तरह से कवर कर सके, हम लोग इसको बेसिकली बोल देते हैं इनगल्फिंग। कवर करना, छुपा लेना, ये होता है इनगल्फिंग। तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, दो तरह के बेसिकली इसके टाइप होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कि बुलिश और बेरिश। बुलिश में आप क्लियर देख रहे होंगे कि जो पहली कैंडल है प्रीवियस, ये एक बेरिश कैंडल है रेड कलर में, और ये एक बड़ी बॉडी आपको दिख रही है, ये है ग्रीन कलर में, जो कि हमें बता रही है कि इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है तो अगली कैंडल हम ये मान सकते हैं कि वहां से कुछ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग। इसी का एकदम उल्टा आप कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी पहली वाली कैंडल अगर आपकी बन रही है ग्रीन और दूसरी वाली फुल बुलिश, फुल लेंथ, फुल बॉडी लेंथ कैंडल बन रही है रेड कलर में, तो आप इसको अपोजिटली बोल सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग। तो बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी ग्रीन बुलिश, और इसका अपोजिट पहली रेड दूसरी सॉरी पहली ग्रीन दूसरी रेड, ये हो जाएगी बेरिश। ये दो ही तरह के पैटर्न इसमें होते हैं इनगल्फिंग में। जी। हम इसके देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बेसिकली क्या हमें बताने की कोशिश करती है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दे जनरली यूज टू इंडिकेट अ ट्रेंड रिवर्सल। अगर आपको कहीं पे इनगल्फिंग बढ़ते हुए दिख रही है तो आप, लेकिन आपको यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत समझना जरूरी है कि उसका साइज क्या है, अभी उस पर आते हैं। अगर साइज अच्छा बन रहा है, यानी कैंडल का साइज बड़ा बन रहा है, बुलिश हो या बेरिश हो, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये एक तरह से आपके ट्रेंड रिवर्सल का एक इंडिकेशन है, प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे, कोई इंडिकेटर नहीं, केवल प्राइस एक्शन के बेस पे। दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि स्मॉलर कैंडल डू नॉट कन्फर्म द ट्रेंड। आप ये जो देख रहे हैं ये वाली पूरी सिचुएशन, आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं,
ये भले ही इंगल्फिंग कैंडल है लेकिन कोई इतना ज्यादा इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ी बॉडी कैंडल हमें नहीं दिख रही है। इनगल्फिंग का सबसे पहली शर्त ये होती है कि पूरी तरह से वो बॉडी प्रीवियस वाले को कवर करना चाहिए विद गुड लेंथ। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। थर्ड जी पॉइंट में देखिए कह रहा है कि बिगर कैंडल गिव्स द पावरफुल सिग्नल। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो एक पार्ट आप देख रहे हैं, पहला वाला, पहली वाली ये कैंडल रेड है और दूसरी वाली ग्रीन है। शरद जी से मेरा सीधे क्वेश्चन ये, सर ये किस तरीके की इनगल्फिंग है, क्या आपको लग रहा है? पर बुलिश एनगल्फिंग है, प्रॉपर कैंडल बनी है। जैसे पहले आपने दिखाया था कि वो कंफ्यूजिंग था, छोटी 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 बड़ी ऐसी बन रही थी, ये प्रॉपर एक बुलिश एनगल्फिंग है और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक्सीलेंट यस एक्सीलेंट सर, क्लियर है। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, प्रॉपर बुलिश है। और देखिए इसके बाद क्या हुआ है, आपको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को अपसाइड मिली। जी बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है प्रसाद कि यहाँ पर इस जगह पर अच्छे खासे बायर्स आ गए हैं, बायर्स करेक्ट। आ गए। तो वो बायर्स ने क्या किया, बॉल अपने कोर्ट में ले लिया और प्राइस को वहां से ले जा करके ऊपर उठा दिया मार्केट ऊपर ले में। लिया। तो ये मैं बेसिकली बताने का मतलब था कि कैंडल का साइज कितना इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि इफ इंगल्फिंग इज फॉर्म योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर कहीं मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आपको इंगल्फिंग दिख गई तो ये आपके लिए एक और अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल का। प्रशांत मुझे लग रहा है कि यस हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी तरह से ये बात पता होगी कि प्रीवियस में हम लोगों ने एक एजुकेशनल वीडियो में अपने बात करी थी जिसमें सर ने भी डिस्कस किया था डिटेल में मारू बोजू के नाम यस से। उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर ये बनता है तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल हमें क्लियर। देता है। वैसे ही ये भी काम करती है कि सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो इसका हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे मारू बोजू के अलावा अगर हमें इनगल्फिंग भी मिल जाती है तो ये करेक्ट हमारे लिए और भी एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट्स पे और वहां पर चल करके देखेंगे कि क्या हमारे जो इंगल्फिंग है वो हमारे क्या बताती है, क्या हमें सिग्निफाई करती है। तो सीधे जी चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं चलते कि वहां पे क्या सिचुएशन है। तो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम लोग चलते हैं। प्रसाद चार्ट इज विजिबल, यस सर, चार्ट इज विजिबल। ऑलराइट। तो कोई प्रसाद एक रैंडमली कोई भी एक चार्ट बताओ, ये तो ऐसे निफ्टी फिफ्टी का लगा हुआ है, कोई राइट राइट। भी सर बताओ इस आप, वाली। जी, सर आप ले लीजिए टाटा मोटर्स ले लीजिए सर, वो फिलहाल हाँ कुछ ठीक दिन है, में था, आज भी ऊपर था शायद। हाँ ओके ओके, कस्टॉक भी परफेक्ट, है। यस बहुत बढ़िया। टाटा तो मोटर्स। टाटा मोटर्स के चार्ट पे देख लेते हैं कि वहां पर कहाँ कहाँ पर हम लोग की इंगल्फिंग कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जी जी टाटा मोटर्स के मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है और अगर आप इसमें इंगल्फिंग देखेंगे कहाँ पर बन रही है तो एक इंगल्फिंग आपको बिल्कुल क्लियर ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। देखिए इस जगह पे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और क्लियरिटी से दिखे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये सिनेरियो देख रहे हैं यहाँ पर, जी इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि पहली कैंडल जो थी वो थी बुलिश कैंडल बुलिश ग्रीन कलर में, और करेक्ट। ठीक उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो रेड, और ये फुल बॉडी कैंडल है। जैसा अभी शरद जी ने थोड़ी देर पहले बताया, फुल बॉडी कैंडल हमें और ज्यादा सिग्निफाई करती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या सिचुएशन हुई, ये जो पूरा एक प्राइस एक्शन में ये देखने को मिला कि नीचे तक प्राइस एकदम नीचे तक आ गए, यहाँ पर आ गए। ये था बेरिश इंगल्फिंग। और एक बार करेक्ट ऐसी बुलिश इंगल्फिंग देख लेते हैं, ये इसी लेग में अगर आप देखेंगे तो ये इस जगह पर यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आप ये वाला देखिए जिसमें पहला एक कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल आपको दिख रही है रेड कलर की, ये वाली कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन कलर की। जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो फुल बॉडी कैंडल है। फुल जी बॉडी मतलब यहाँ से एक अच्छा हमें बाइंग देखने का लेवल मिल रहा है। देखिए बाउंस। उसके यस बाद हुआ क्या, आखिर में उसके बाद क्या हुआ, एक आपको अच्छा ऊपर ट्रेंड, आई एम सॉरी, ये एक अच्छा ट्रेंड मिला ऊपर देखने के लिए ये इधर। जी तो इस तरह से ये इंगल्फिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है
और ये इंगल्फिंग आपको फ्रीक्वेंटली, अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे कि हमारा जो ट्रेंड रिवर्सल है उसको बताने की कोशिश करती हैं, या बॉल किसके कोर्ट में है, बुलिश के या बेरिश के, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आप हाँ इसकी एक छोटी प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी एक रैंडमली सिलेक्टेड चार्ट ले लीजिए, उसमें कोशिश करिए इसको फाइंड करने की और देखिए कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ये पूरा पूरा एक प्राइस एक्शन पे बेस, पूरा प्राइस एक्शन पे बेस एनालिसिस है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, हम लोग चलते हैं आगे। अगर हमारे पैनल में बैठे लोग और कुछ क्वेश्चन करना चाहें या कुछ और बताना चाहें, ऐड ऑन करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओम प्रकाश सर कुछ इसमें ऐड करेंगे सर? हाँ बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि हम सबको पता है और दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये इंगल्फिंग कैंडल्स को एक्सप्लेन किया। जी बट सर, बहुत सी जगह आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि इसके बावजूद भी उसने काम नहीं किया, तो उसका क्या रीज़न है? तो ऐसे सवाल दर्शकों के मन में आने की संभावना है। तो जी इसका सर, कारण ये है कि किसी भी स्टडी को, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई टूल हो, चाहे कोई पैटर्न हो, चाहे कोई ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, तो ये सब आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो यदि आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब है, फिर हम एनालिसिस कैसे करेंगे? तो एनालिसिस आपको यदि अच्छी तरह से सीखना है तो आपको सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, बेसिक्स को सीखना पड़ेगा और एक होलसम स्टडी करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है एक दो तीन मारुबाजू आपने सीख लिया, इनगल्फिंग सीख लिया या कोई एक दो टूल सीख लिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। यदि आप ऐसे बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो इसी तरह से फिर आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, आपके ट्रेड्स काम नहीं करेंगे। तो इसका क्या तरीका है? तो मैं दर्शकों के अटेंशन इस तरफ बहुत ध्यान से दीजिएगा कि 17 तारीख से फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हम सारी चीजें आपको सिखाते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन की स्टडी सिखाते हैं, आपको पैटर्न सिखाते हैं, आपको हम इंडिकेटर्स सिखाते हैं, ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं। तो जब आप इस तरह से एक होलसम स्टडी करेंगे तो आप अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिस्ट बन सकेंगे और ट्रेडिंग अपने आप कर सकेंगे। और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि आपका साथ इतना जल्दी नहीं छोड़ते, आप 3 महीने का कोर्स करेंगे, हम 1 साल तक आपके हैंड होल्डिंग करेंगे और हमारी काफी बड़ी टीम है, आप हमारी टीम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम आपका ग्रुप बनाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रुप ट्रेडिंग का, हम एक ग्रुप बना देते हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस को हमारे इस लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू सीख सकते हैं। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि इस लर्निंग मॉड्यूल को सीखने के लिए आप जो भी फीस देते हैं वो आपका कोर्स खत्म होने से पहले हम इंश्योर करते हैं कि आपको किसी न किसी ट्रेड के थ्रू आपकी पूरी फीस रिकवर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रिकवरी ट्रेड। तो दर्शकों ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए हमारे हमारे जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो प्लीज जाइए देखिए और इस कोर्स के लिए रजिस्टर करिए और एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनने का अपना सपना यस पूरा सर, होगा। यस थैंक यू जी मनीष सर, जी। थैंक यू ओम प्रकाश सर फॉर दी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। प्रशांत कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, सर मुझे बस यही कहना था कि आपने बहुत बहुत डिसेंट आपने एक्सप्लेन किया कि प्रीवियसली जो सर ने मारुबोजो का कंसेप्ट शेयर किया था, आपने उसके अंदर एक एड ऑन करके उसका एक एडवांस टू पैटर्न कैंडलस्टिक का आपने अभी शेयर किया है। करेक्ट तो करेक्ट, हाँ, तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन है वो मारुबोजो के बाद कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल कॉन्फिडेंस आप। इससे और आता यस यस एग्जैक्टली। है। तो सर बहुत, मुझे तो सर बहुत अच्छा लगा, तो बस मुझे यही कहना था कि बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और आई होप कि व्यूवर्स को इसका बेनिफिट मिले, ये एक्सप्लेनेशन एंड ये कॉन्सेप्ट का। जी हाँ सर बिल्कुल प्रशांत, कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलें, और बिल्कुल ये जो ले मैन है जिन्हें यस
के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उन तक हमारी बात पहुंचे ऐसी कोशिश रहती है। एनीवे, वीडियो में शामिल होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यस, हम लोग थैंक ऐसे यू, ही और एजुकेशनल वीडियो के साथ इसी सीरीज में आगे मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।